हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर ई लर्निंग क्लासेज श्री वर्धमान आदर्श विद्या मंदिर स्कूल बालोतरा। योर क्लास थर्ड एंड योर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन चैप्टर में अपन ने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा कि मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन। एडिशन कोई डिजिट है उसका रिपीटेड हो रहा है एडिशन, उसको अपन मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट इजीली करते हैं। और अपनी एक्सरसाइज नंबर या लेटेस्ट डू 4.1 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट 4.2 में कंसीडर करने से पहले अपन को मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का किसी 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या 3 डिजिट का किसी 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस अंडरस्टैंडिंग में आपको एक तो जिस डिजिट का मल्टीप्लायर अपन कर रहे हैं, एक तो डिजिट होगी अपने पास टर्म्स में मल्टीप्लिकेंट और नीचे वाली जो डिजिट है वो होगी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर की जो टेबल्स है वो अपन को रिमेंबर होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट अपना कंसीडर है 2 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। फर्स्ट जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर। यू कैन सी 2 डिजिट देयर, 42 का किससे मल्टीप्लीकेशन है, 1 डिजिट ओनली 2 से, 42 का मल्टीप्लाई है ओनली 2 से। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन क्या है अपना 37, 2 डिजिट नंबर है 1 एंड 2, 2 डिजिट बाय 1 डिजिट, 1 डिजिट क्या है 3, 2 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लीकेशन है। एज इट इज सेकेंड टॉपिक क्या है अपना 3 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई। यू कैन सी 4, 2, 5, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट का कौन से डिजिट से मल्टीप्लाई, ओनली 1 डिजिट, 4। एज इट इज 1, 2, 3, 3 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई। तो आज अपना टॉपिक है फर्स्ट 2 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई, सेकेंड टॉपिक है 3 डिजिट का 1 डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 2-2 मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस अपन फाइंड करते हैं, कैसे अपन कंसिडर करते हैं मल्टीप्लीकेशन को, क्या उसकी कैरी है, किसको कैरी पुटअप करते हैं, कहाँ कैरी वहाँ जोड़ते हैं, वो आपको कंसिडर करना है। जिस मल्टीप्लीकेशन को 1 बाय 1 करते हैं, अब इसमें आपका जो ऊपर वाला नंबर है वो तो है मल्टीप्लीकेंट, और नीचे वाला नंबर है वो मल्टीप्लायर, और इन दोनों नंबरों को अपन फैक्टर भी लिख सकते हैं, फैक्टर भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेंट एंड मल्टीप्लायर को फैक्टर भी लिख सकते हैं, वो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था। और जो रिजल्टेंट फाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। ओके, जो रिजल्टेंट फाइंड होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लायर की टेबल्स अपन को फाइंड होनी चाहिए। मल्टीप्लायर में जितने भी नंबर है, यहां तो अपना 1 डिजिट है तो उसकी टेबल अपन को फाइंड होनी चाहिए। अब 2 की टेबल अपन को फाइंड है, रिमेंबर भी है, 2 की टेबल अपन को इन अवर माइंड रिमेंबर है। तो यू कैन सी अब 2 की टेबल मल्टीप्लायर को 1 बाय 1 मल्टीप्लीकेशन करना है। इट मीन्स यहां से स्टार्ट करना है एंड 1 बाय 1 चलते जाना है। मीन्स 2 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को पहले 2 से, एंड जो रिजल्टेंट है वो यहां लिखेंगे, एंड जो कैरी है वो नेक्स्ट वालों को दे देंगे। यदि कैरी है तो नेक्स्ट को दे देंगे, कैरी नहीं है तो उतना का उतना यहां लिख देंगे। एंड ये कंप्लीट होने के बाद वापस मल्टीप्लायर को सेकेंड डिजिट से करेंगे। इट मींस 2 डिजिट में पहला मल्टीप्लायर फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड मल्टीप्लायर सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लायर कितने टाइम्स हो रहा है, 2 टाइम्स। तो आपको पता ही है पहले 2 डिजिट जो मल्टीप्लायर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2 2 जा 4, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो अब 4 अपने पास रिजल्ट फाइंड हुआ, क्या 4 के पास कोई कैरी है, नहीं, 4 1 डिजिट नंबर है। कैरी कब होगी, जब 2 डिजिट नंबर होगी तो 1 वाला तो पुट करेंगे एंड आगे वाला कैरी देंगे, बट 4 हैव नो कैरी, तो 4 एज इट इज पुट हो जाएगा, इजी हो गया। एंड ये वाला कंपल्सरी 1 डिजिट से कंप्लीट हो गया, देन अपन पहुंचते हैं सेकेंड डिजिट। ओके, अब सेकेंड डिजिट क्या है, 2 का मल्टीप्लाई है 4 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 का 4 जा 2 4 जा
टू फोर जा कितना हुआ 8। अब 2 4 8 है और 8 के पास भी क्या कुछ कैरीज है? नहीं, 8 ओनली वन डिजिट है, तो 8 का 8 एज इट इज, ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, कितना 84 हो गया। तो इजी है, पहले 2 को 2 से किया फर्स्ट डिजिट हो गया, अब 2 को 4 से किया सेकंड डिजिट भी हो गया, और जो भी आंसर है वो नीचे लिखते जाएंगे। अब कैरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, यहां पे तो दोनों पर कैरी नहीं थे, अब कैरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं लाइक दिस। ये आपका वंस पार्ट टेबल्स है और ये टेंस टेबल्स है, यहां पे भी वंस टेबल्स थी और ये टेंस टेबल, इसको मैं मिटा भी दूं तो भी चलेगा। वंस कॉलम, टेंस कॉलम एंड थाउजेंड्स कॉलम, हंड्रेड्स थाउजेंड टेन थाउजेंड वो कॉलम होते हैं, उसको कंसीडर अपन को यहां नहीं करना। अब ये भी देख सकते हो यहां पे वंस कॉलम है, ये टेंस कॉलम है। अब आपको कंसीडर करना है यहां 2 डिजिट नंबर है और मल्टीप्लायर कितना है 1 डिजिट है, मल्टीप्लिकेंट 2 है 7 एंड 3, मल्टीप्लायर है 1, तो 3 को पहले 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 37 जा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया मींस 37 जा, 37 जा 21, कितना होता है 21। अब 21 में जो पीछे वाला सबसे लास्ट वाला नंबर है वो तो रिजल्ट एंड में पुट होगा, और जो आगे वाला नंबर है वो कैरी हो जाएगा। कैरी किस में होगा? आगे नेक्स्ट नंबर में। इजीली शो करना है इसको, वापस से देखते हैं एक बार। मल्टीप्लायर की जो 3 डिजिट है, 3 नंबर, वो 7 से मल्टीप्लाई होगी, बिकॉज फर्स्ट डिजिट कौन है 7 है, तो 37 जा, 37 जा मैंने इधर किया, क्या फाइंड हुआ मेरे 21। अब 21 का जो पीछे वाला ये 1 है वो तो यहां पुट हो जाएगा, हमेशा ये याद रखना, ओनली वन डिजिट ही पुट होगी, ओनली वन डिजिट ही प्रोडक्ट में पुट होगी, ओके, ओनली वन डिजिट ही प्रोडक्ट में पुट होगी, वन डिजिट होगी, और ये 2 जो है वो कैरी हो जाएगा। अब कैरी किस पे होगा? वंस वाला कैरी टेंस में कैरी हो जाएगा, तो ये लो 2 मैंने कैरी दे दिया इसको, ये 2 कैरी इसको मैंने बॉक्स में रख दिया। अब 2 कब ऐड होगा? जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके साथ ऐड कर देंगे, ओके। अब ये वाला कंप्लीट हो गया फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट में चलते हैं। 3 3 जा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 3 जा 9। अब इस 9 में कैरी को ऐड करना है, 9 ऐड बाय 2, 9 में कैरी को ऐड किया, कैरी कितना है 2 है, तो 9 और 2 ऐड करना होता है कैरी को, ऐड एडिशन में भी करते थे, यहां पे भी ऐड करना है, 9 और 2 11। अब 11 में यदि आगे नेक्स्ट नंबर और होते, हंड्रेड्स पार्ट होता, हंड्रेड्स कॉलम होता, तो 1 नंबर यहां देते और ये 1 जो है वो आगे पुट हो जाता यहां, बट यहां कोई कैरी नहीं है तो पूरा 11 का 11 पुट हो जाएगा इजीली, 11 का 11, तो फर्स्ट वाले डिजिट का ये हो गया 11 का 11, तो प्रोडक्ट क्या फाइंड हुआ आपने 111। एज इट इज ये क्वेश्चन बार बार करेंगे, यहां 2 क्वेश्चन मैंने कंसीडर किए 2 डिजिट के, आगे नेक्स्ट क्लास में भी और करेंगे, बट आप पहले ये देखो 3 डिजिट बाय 1 डिजिट नंबर, ये भी थोड़ा इजी है, ओके। तो यहां कंसीडर करने से पहले आपका फर्स्ट जो मल्टीप्लिकेंड है वो क्या है 2 4 5, वन डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यानी 245 है, इट मींस ये हो गया वंस पार्ट, ये हो गया टेंस पार्ट और ये हो गया हंड्रेड्स पार्ट, ओके। अब इस 2 4 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, तो 2 को पहले 5 से करूंगा 1 बाय 1, फिर 2 को 4 से करूंगा, फिर 2 को 2 से करूंगा, इजी हो जाएगा ना, पहले 1 बाय 1 इससे, फिर इससे, फिर इससे, तो यहां से स्टार्ट, फिर इधर, फिर इधर, तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, 2 का 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कितना आया मेरा 2 5 जा करने पर मेरा रिजल्ट आया 10। अब 10 मैंने बताया जो वंस पार्ट है वो तो पुट हो जाएगा रिजल्ट एंड प्रोडक्ट में, और ये क्या है मेरी कैरी है, ये कैरी हो जाएगा नेक्स्ट, तो 10 में से जो पुट करना है वो क्या है 0, ये लो मैंने 0 पुट कर दिया, और 1 क्या है कैरी है, वो 1 टेंस पार्ट में कैरी हो जाएगी फोर्थ, ये वाला कंप्लीट हुआ, इसमें कैरी पहुंचा दी। अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना, 2 वाला 5 हो गया, 10 में से 0 इधर 1 कैरी,
अब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज नेक्स्ट आ गया सेकंड डिजिट पर, 2 4 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 4 जा 8 है। अब 8 में इस कैरी को भी ऐड करना है, 8 में कैरी को भी ऐड करना है, कैरी कितना है 1 है, तो 8 ऐड बाय 1 8 एंड 1 कितना हो गया 9। नाउ यू कैन सी 9 के पास कुछ कैरी है क्या, दे हैव नो कैरी, इट हैव नो कैरी बिकॉज 9 हैव ओनली 1 डिजिट, तो 1 डिजिट है तो एज इट इज उसको पुट कर दो, इट मींस यहां कैरी कुछ नहीं है, 0 है बिकॉज 9 हैव नो कैरी, तो 9 का 9 पुट हो गया। अब ये वाला काम कंप्लीट हो गया, अब नेक्स्ट डिजिट 2 टू जा 2 को 2 से 2 को 2 से 2 टू जा 4 4 के पास भी कोई कैरी नहीं है, इट मींस 4 का 4 ये, इफ यू हैव ए कैरी देन उसका पीछे वाला नंबर तो पुट कर दो और आगे वाला नंबर उसको कैरी में पहुंचा दो नेक्स्ट कॉलम में। वंस में कैरी है तो टेंस में पहुंचाओ, टेंस में कैरी है तो हंड्रेड्स में पहुंचाओ, और हंड्रेड्स में कैरी है तो थाउजेंड्स में पहुंचाओ, थाउजेंड्स में है तो 10,000 में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट चलता जाएगा जितना भी कैरी बन रहा है। इफ ये रिजल्ट ऐसा आ गया 115 तो 5 को तो पुट करेंगे और 11 पूरा कैरी हो जाएगा। ओके ऐसा रिजल्ट आएगा तो वो आगे वाली क्लासों में भी बड़ी बड़ी डिजिट आएगी तब होगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कंसिडर करना, 5 की टेबल आपको रिमेंबर है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 तो 1 by 1 5 को पहले 3 से, 5 को फिर 4 से, 5 को फिर 1 से, 1 by 1 जो कैरी है वो कैरी पहुंचाओ। तो 5 को पहले 3 से, 5 को 3 से, अब बताओ रिजल्ट क्या होगा, 5 3 जा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 15 आया, कितना आया 15 आया, इट मींस 15 में 5 तो पुट होगा और 1 कैरी हो जाएगा, तो ये तो क्या होगा पुट और ये क्या हो जाएगा कैरी। तो कैसे देखो, पुट करना है, पुट मींस इस कॉलम के नीचे ही करना है, इस कॉलम के नीचे इसको मैंने किया, 5 पुट हो गया एंड 1 जो कैरी है वो नेक्स्ट नंबर के आगे, यहां आपने किया 5 पुट 1 कैरी इधर। अब 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज ये तो कंप्लीट हो गया, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 वाला अब सेकंड डिजिट में चला जाएगा, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 तो ये मेरा क्या हो गया 20। अब 20 में मेरे को कैरी भी ऐड करना पड़ेगा, 5 4 जा 20 है उसमें कैरी भी ऐड करना है, 20 में 1 को ऐड करूंगा, ये लो ऐड 1 तो कितना आया 21। अब 21 में भी देखो कैरी कौन है, 2 कैरी है और 1 पुट करना है, तो ये पुट हो जाएगा और ये हो जाएगा कैरी। ओके तो 1 पुट हो गया, ये लो 1 पुट और 2 कैरी है मींस 2 दिया। ओके 2 कैरी है तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नंबर में चला जाएगा। अब अपना ये वाला कंप्लीट हो गया, अब ये 5 को 1 से 5 1 जा 5 और कैरी कितना है 2 है, 5 1 जा में कैरी कितना 2 है, तो 5 में 2 ऐड हो जाएगा, कितना आया 7, 5 में 2 ऐड करने पर 7 आया। अब 7 के पास कोई कैरी नहीं है तो 7 को एज इट इज लिख दिया। ओके तो 3 डिजिट को 1 डिजिट से, 3 डिजिट को 1 डिजिट से, 2 डिजिट को 1 डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो आप आज अपन ने सीखा है, तो आप खुद स्वयं प्रैक्टिस करना। तो टुडेज होमवर्क इज हियर, 2 या 3 मल्टीप्लीकेशन दे रहा हूं मैं आपको, कुछ समथिंग प्रैक्टिस यू ऑल्सो डू इट सेल्फ। ओके योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये 53 है मल्टीप्लाई बाय 2 एज इट इज, सेकेंड क्वेश्चन 3 डिजिट वाला, थ्री की टेबल आपको रिमेंबर है, तो ये आपका
टुडेज होमवर्क हो गया। अब इसको आप लिख नहीं पाए हो तो मैं अपनी वर्कशीट में भी शो कर दूंगा इजीली, ओके। आप मेरी वर्कशीट जो मेरे हैंडराइटिंग में भेजता हूँ बाद में वीडियोज के, उसमें भी आप इजीली देख लोगे पूरे एज इट इज, ओके। अब आपका होमवर्क इज हियर, फर्स्ट 53 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 243 को 3 से मल्टीप्लाई करना, ओके। फर्स्ट सेकंड थर्ड इन योर होमवर्क, यू कैन सी इजीली, ओके। थैंक यू।